कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी हो तुम? हम ठीक हैं। अब अच्छा आंटी जी, आस्था भाभी घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो बाहर गई है। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। माँ, वो दरअसल हम रोहन जी के कपड़े लेने आए थे, हम जाके ले लें? हाँ हाँ, जो चाहिए वो ले लो, जाओ। जी माँ। चलो देवयानी। काम करो, तुम उस तरफ देखो, हम उस तरफ देखते हैं। हाँ। दीदी, पूरा रूम छान मार लिया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। दीदी एक काम करते हैं ना, दूसरे किसी रूम में ढूंढते हैं, शायद कुछ मिल जाए। जल्दी मम्मी से बात कर लेती हूँ। एक काम ठीक से नहीं कर सकते, पानी पी के ये भी ग्लास रख दिया, मेरा काम क्यों बढ़ा देते हैं? मन तो करता है। चलो जल्दी, कहीं वापस ना आ जाए। हाँ दीदी, वैसे भी शुरू में कुछ मिला भी नहीं है। चलो चलो चलो। आस्था भाभी के रूम में कुछ भी नहीं मिला? नहीं,
और बाकी रूम में? बाकी सारे कमरे हमने चेक कर लिए, कहीं कुछ भी नहीं मिला। बस हमारा कमरा चेक नहीं किया, वो वहां क्यों रखेंगे? ताकि वहां कोई चेक ना कर सके। दीदी, अनुष्का बिल्कुल सही कह रही है, वहां हमें हमारे दिमाग से नहीं, आस्था भाभी के दिमाग से सोचना चाहिए था। बिल्कुल टेढ़ा। पर वो वहां कहां रख सकती है? किसी ऐसी जगह जहां किसी के ढूंढने के चांसेस सबसे कम। क्या गलती से कुछ मिल भी जाए तो सीधा शक उनके किसी दुश्मन पे आ जाए। आप पे। अच्छा सरीन, भाभी जी रुकिए। पापा, थोड़ी देर और रुक जाइए ना, पूजा तो अभी अभी खत्म हुई। माता का प्रसाद तो लेते जाइए, सच का प्रसाद। और आप सभी प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए, क्योंकि कुछ ऐसा है जो सबको देखना चाहिए। देवयानी, जाओ देवयानी, सीडी प्ले करो।